रुपीज़ की नई वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। यह है स्प्लेंडर प्लस बाइक जिसमें आरपीएम हाई होने का प्रॉब्लम आया है। अपने आप भी जैसे मैं बाइक को स्टार्ट करता हूं आरपीएम अपने आप बढ़ जाता है बहुत ही तेज़ी से, मतलब एक्सेलेटर तेज हो जाता है और कितना भी उसको कम करें वो कम नहीं हो रहा है। इसको किस तरह से ठीक किया जाता है इस प्रॉब्लम को, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको बाइक से संबंधित वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को यहीं पर शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे जो ये इसका जो मुट्ठा है ये देख लीजिए, ज़रा से भी इस पर प्ले नहीं है। और एक साइड में हमारी गाड़ी है उसको भी मैं दिखाता हूँ किस तरह से उस पर प्ले है। ये दूसरी ये आपकी सीडी डिलक्स बाइक है, देख लीजिए यहाँ पर प्ले है। ये प्ले आपका यहाँ पर मुट्ठे पर होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि आपका आरपीएम यहाँ पर हाई ही रहेगा, कम नहीं होगा। और यह प्रॉब्लम तभी होता है जब आपका यहाँ पर केबल जो है आपका यहाँ पर ख़राब हो जाता है और जाम हो जाता है केबल, तभी इस तरह से प्रॉब्लम होता है। उसके लिए एडजस्टिंग का यहाँ पे एक बोल्ट दिया रहता है और उसका ये भी बोल्ट जो है एकदम से यहाँ पे एडजस्टिंग फुल कर दिया गया है। एक बार इस पर किया गया था सेटिंग, लेकिन इसके बाद में हम सेटिंग नहीं कर सकते हैं, तो इसका हम कंप्लीट इसका केबल चेंज करेंगे। तो इसको किस तरह से चेंज किया जाता है तो चलिए मैं इसको दिखाता हूँ। मैं बाइक को स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि किस तरह से इसमें प्रॉब्लम कर रहा है। देखिए फ्रंट देख लीजिए कितना आरपीएम इसका बढ़ा हुआ है। तो चलिए मैं इसका केबल कंप्लीट इसको मैं चेंज करता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड हमें इसको यहाँ पे करना है, इस बोल्ट को यहाँ पे, आपको यहाँ पे जो बोल्ट दिया हुआ है यहाँ पे चूड़ी बना हुआ है इसको यहाँ पे टाइट करना है प्लास्टिक के, इसके इस पर हमें फुल टाइट करना है ऐसे करके। ये हमारा ऐसे टाइट हो गया है। इसको टाइट करने के बाद में हमें केबल को इसके बीच से डालना है ऐसे ऐसे करके। बीच से डालने के बाद में हमें इसको यहाँ से ऐसे करना है, लेके जाना है केबल को ऐसे यहाँ पर नीचे कर देना है, इसको यहाँ पे करना है। उसके बाद में हमें इस मुट्ठे को यहाँ पे ऐसे इंस्टॉल करना है। इसको लगाने के बाद में हमें केबल को यहाँ पे फंसाना है इसके घाट में यहाँ पे। तो चलिए ऐसे मैं फंसाता हूँ यहाँ से, और यहाँ से फंसाने के बाद में कुछ इस तरह से बैठेगा ये ऐसे करके। और उसके बाद में यहाँ पे माउंट को ऐसे ऊपर से लगाना है, यहाँ पे होल दिया गया है, ऐसे फंसाएंगे आप तो यहाँ पे फंस जाएगा जिसे आगे पीछे नहीं होगा। और इस पर दोनों स्क्रू जो दिया हुआ है स्क्रू को टाइट करना है पूरा फुल हमें कंप्लीट ऐसे करके, ज़रा से भी हमें लूज नहीं छोड़ना है इसको। सबसे पहले हमें फ्रंट इसको लगाना है इस माउंट को, यहाँ पे केबल इसमें आके फंसता है, ये कुछ इस तरह से आके फंस जाएगा, इसको हमें फंसाना है। और उसके बीच में हमें स्प्रिंग को इस तरह से डालना है ऐसे करके, और इसके बीच से हमें केबल को निकाल लेना है स्प्रिंग के बीच से होते हुए। और उसके अलावा आपको यहाँ पे जो घाट बना है इसके बीच से आपको डालना है स्लाइड के, और डालने के बाद में ऐसे करके खींचना है आपको केबल को ऐसे, यहाँ से लाके आपको इधर जो घाट बना हुआ है यहाँ पे आके फंस जाएगा सीधे। अब ये हमारा यहाँ से बैठ चुका है। एक्सेलेटर को मैं यहाँ से देता हूँ, देख लीजिए यहाँ से किस तरह से ये काम कर रहा है हमारा अच्छे से, देख लीजिए। बाद में हमें इसको यहाँ पर कार्बोरेटर के अंदर फिट करना है। तो ये वाला जो हमारा सिरा रहेगा कुछ ये इस इधर साइड रहेगा,
और ये जो इधर थोड़ा सा यहाँ पे चौड़ा साइड यहाँ पे कट बना हुआ है, ये आपका यहाँ पे जो आरपीएम साइड यहाँ पे स्क्रू दिया रहता है उधर साइड रहेगा। तो हमें इसको इस सिरे को उधर ही साइड रखना है स्क्रू की साइड, और यहाँ पे ऐसे करके कार्बोरेटर के अंदर इसको डालना है धीरे से, ऐसे करके सीधे करके हमको हिला के थोड़ा सा डालना है। अगर ये घाट पे जाएगा तो खुद ही बैठ जाएगा, इसमें आपको बल लगाने की ज़रूरत नहीं है ज़रा सा भी। देख लीजिए फ्रेंड, अब ये अंदर आसानी से चला गया है, और उसके बाद में ऊपर का यहाँ पे आपको बोल्ट को टाइट कर देना है ऐसे करके पूरा, ज़रा सा ही लूज नहीं रहे, नहीं तो अगर लूज रहेगा तो यहाँ पे आपका पेट्रोल जो है यहाँ से लीकेज करेगा, तो जिससे माइलेज आपका कम हो सकता है। तो आपको केबल को ऐसे सीध कर देना है, और ये हमारे यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में मैं टेस्ट करता हूँ कि हमारा आरपीएम जो है ये प्रॉब्लम जो है हाई होने का ये सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। फ्रेंड चलिए मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। देख लीजिए अभी भी हमने इस पर कुछ भी नहीं किया है, ना ही हमने आरपीएम को छेड़ा है। अभी हमारा इंजन जो है यहाँ पे बंद हो जा रहा है अपने आप, नहीं तो क्या होता था कि अभी स्पीड इसका हाई रहता था। तो ये हमारा कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो इसी तरह से फ्रेंड आपको यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और पुराना जो केबल है उसको मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से टूट चुका था एकदम से, इसी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आया था। तो इस तरह से आपकी बाइक में भी प्रॉब्लम आए तो इस तरह से केबल को आप अपने घर पर भी चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ में चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको बाइक से संबंधित वीडियो हमारे इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.